वंडर एक वर्ब के रूप में या फिर नाउन के रूप में भी यूज हो सकता है। वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है, वर्ब के रूप में इसका मतलब होता है टू थिंक अबाउट थिंग्स इन अ क्वेश्चनिंग एंड समटाइम्स डाउटिंग वे। यानी किसी चीज के बारे में सोचना एक क्वेश्चनिंग या फिर डाउटिंग वे में सोचना, एक क्वेश्चनिंग या फिर डाउटिंग वे में सोचना, उसे कहते हैं वंडर। और अगर हम इसे क्या कैसे यूज करें, नाउन की तरह यूज करेंगे, तो फिर इसका मतलब होगा अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज एंड एडमरेशन। एडमरेशन, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने एडमायरेशन नहीं कहा, मैंने कहा है एडमरेशन। एडमरेशन, अब आप सोच रहे होंगे कि हाँ एडमरेशन ये थोड़ा अजीब लग रहा है, चलो ये तुम, मैं नहीं, हमेशा तो गलत बोल रही है, एडमायरेशन ही होता है। नहीं, मैं सच कह रही हूँ, अगर भरोसा नहीं होता तो सर्च कर लीजिए, एडमिरेशन होता है। ये फीलिंग ही मुझे तब आई थी क्या, जब मैं आज ही जब अपनी मम्मा के साथ पढ़ रही थी, ये वर्ड बुक में आया, और फिर मेरी मम्मा ने एडमायरेशन, शी वाज रीडिंग आउट द बुक फॉर मी, यानी कि वो मेरे लिए किताब पढ़ रही थी। फिर जब ये एडमिरेशन वर्ड आया, तब तो उन्होंने एडमिरेशन प्रोनाउंस किया, फिर मैंने मार्क आउट किया, मम्मा ये एडमिरेशन है। फिर मेरी माँ ने मुझे समझाया कि नहीं, कभी कभार जो चीज सच है उसे हम थोड़ी अटपटा भी लगता है, लेकिन जो सच है वो तो सच ही रहेगा ना, चाहे आप 1000 बार सोच ले ये है वो है ये है वो है, सच तो सच ही है ना। तो वैसे ही एडमिरेशन है, तो मम्मा ने कहा गूगल पर सर्च कर लो, और देखा तो भैया एडमिरेशन ही है। तो इसलिए कभी कभार हमें लग सकता है कि ये तो गलत है, लेकिन हमको कंफर्म करे बिना नहीं, ऐसे जज नहीं करना चाहिए। एडमिरेशन, तो इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या है, एडमिरेशन, अ फीलिंग ऑफ ग्रेट सरप्राइज एंड एडमिरेशन। अब ये सारे एग्जांपल्स हैं, आप मुझे ये बताइए और फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए कि हाँ ये जो सारे वर्ड्स हैं ये यहाँ पे वंडर को, यहाँ पे कहाँ है, यहाँ पे जो सर ये वंडर को वर्ब के रूप में यूज किया है या फिर नाउन के रूप में यूज किया है, मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बता दीजिए, और मैं भी आपके लिए इसको पढ़ने वाली हूँ। चलो पढ़ते हैं। आई ऑफन वंडर अबाउट दीज किड्स, यानी कि मैं कभी कभार इन बच्चों के बारे में सोचती हूँ, एक क्वेश्चनिंग या फिर डाउटिंग वे में। आई वंडर व्हाट शी इज डूइंग हियर, मैं सोच रही हूँ कि यहाँ पे क्या कर रही है। एक और दूसरा और आखिरी है, डोंट यू एवर वंडर इफ ही इज हैप्पी, क्या तुमने कभी सोचा है कि वो खुश है। हाँ, अब मैं फिर भी आपको बता देती हूँ कि हाँ ये सारे वर्ब के रूप में यूज हुए हैं। अगर आप सारे एग्जांपल्स वंडर को वर्ब के रूप में सेंटेंस में यूज करके दिखा रहे हैं, तो फिर वंडर नाउन के रूप में कैसे यूज होगा। मैं भी आपको कुछ एग्जांपल्स देती हूँ। द ताजमहल इज द वंडर ऑफ इंडिया, यानी कि ताजमहल इंडिया का वंडर है। यहाँ पे मैं वंडरलैंड की बात नहीं कर रही, तो ये हुआ नाउन के रूप में इसका यूज। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। For she had plenty of time as she went down to look about her and to wonder what was going to happen next.